I was very 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 excited to make an unboxing video of this special baby. So I am so happy to announce that okay guys, welcome back to the channel everyone, and I hope you guys are doing extremely good. I couldn't wait to make this video, so I am so damn happy because I couldn't, you know, remove my excitement when I was buying the camera. जितना मैं excited था वहाँ पे लेने के पहले उतना मैं excitement दिखा नहीं पाया because मैं पूरा camera के अंदर ही चला गया था. वो camera से मुझे इतना प्यार हो गया guys, इतना प्यार हो गया कि I just couldn't wait to make an unboxing video. Thanks to Aslam भाई, वैसे तो हम लोग ने already unboxing video बना दिया था, but then I could not wait at all and I was very 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 excited to make an unboxing video of this special baby. So I am so happy to announce that here is my new Sony Alpha A6400, and yes, from now we are into Sony. Before unboxing this baby, let me tell you why did I buy this new camera. मुझे नए कैमरा लेने के लिए क्या शौक आ गया, या why did I want to buy a new camera, what was the reason behind. जानकारी चाहिए रहेगी कि सिद्धार्थ ने क्यों कैमरा बाय किया. अभी तो लॉकडाउन उठ गया तो वो कैनन का कैमरा रिपेयर करवा सकता था, बट स्टिल why did he buy a new camera. सो लेट मी टेल यू द रीजन आउट हियर. आई वॉज हैप्पी विद कैनन, इट्स नॉट दैट आई वॉज नॉट हैप्पी विद कैनन, आई वॉज हैप्पी विद कैनन, बट देन समवेयर ऑर द अदर आई थॉट कि मतलब व्लॉगिंग अभी कैसे है कि डे बाय डे और इयर्स बाय इयर्स जैसे आपका एज बढ़ता है और ठीक है जैसे इयर्स पास होते हैं, देर आर न्यू थिंग्स विच आर कमिंग. अब जैसे मैं आईफोन 11 पे शूट कर रहा हूँ, आई कुड हैव वेटेड मोर एंड नाउ आई कुड हैव हैड आईफोन 13. ओके, 11 के जगह पे मेरे पास 13 रहता, बट स्टिल बिफोर बाइंग सोनी अल्फा A6400 आई वॉज रियली कन्फ्यूज बिटवीन आईफोन 13 एंड सोनी अल्फा. Because if you go to see, iPhone 13 has cinematic mode, which is the best. Phone से मेरे को लेन देन नहीं है, but cinematic mode iPhone 13 में is boom. It's superb. Now the question arises out here that I could have gone for iPhone 13. Now iPhone 13 is way more cheaper to this baby than why did I go for this camera? Talking about this baby, the thing is that I went for Sony is because I was happy with Canon. It is not I was not happy, I was happy with Canon. But अगर आप देखने जाओ तो जैसे मैं vlog करता था तभी, okay, तो जो clarity Canon देती थी वो ये नहीं दे सकती, और जो clarity ये baby दे सकता है वो Canon नहीं दे सकती है. So then I thought that why don't we buy a new camera itself? अभी देखो iPhone 13 भी आ चुका है, लेकिन 13 जैसे चला जाएगा उसके prices decrease होंगे, फिर 14 आएगा, फिर 15 आएगा, फिर 16 आएगा, ऐसे करके iPhone कितने series पे लेके जाएंगे पता नहीं चलेगा. But then you want something which is long lasting, and I think this camera would be the long lasting thing for my life, और मेरे ahead के future के लिए भी ये camera मुझे शायद help कर सके. About Canon 200D. अब क्या हो गया गाइस, घर पे रखे रखे पड़े पड़े मुझे नहीं पता कैसे वो बंद पड़ गया, और उसके मेन बोर्ड पे डायरेक्टली समथिंग और दी अदर जस्ट हैपेंड एंड दी मेन बोर्ड ऑफ माय कैनन 200D गॉट स्पॉइल्ड. जब मैंने कैमरा चालू किया तब मुझे एकदम से रियलाइज हुआ कि यार मेरा कैमरा ही चालू नहीं हो रहा है, एंड देन आई वाज लाइक शिट, क्या कर सकते अभी, कोई ऑप्शन नहीं है ना, कुछ है. दिखाया भी मैंने जो कैमरा सर्विस कराते, बट देन बोथ ऑफ देम सेड दैट द मेन बोर्ड इज गॉन. आई वॉज टोटली डिप्रेस्ड, आई वॉज टोटली डिप्रेस्ड. यू गाइज कैन नॉट बिलीव इट, बट कैनन 200D वॉज द फर्स्ट कैमरा, वॉज द फर्स्ट कैमरा. निकॉन D5500 इज माई डैड्स कैमरा, बट कैनन 200D वॉज माई फर्स्ट कैमरा फॉर माई सेल्फ थ्रू विच आई कुड ब्लॉग. And God knows. नहीं है अभी, आगे जब रिपेयर हो सकता है तभी हम रिपेयर कराएंगे, फिलहाल इस बेबी के बारे में बात करते हैं. सो अभी ऑब्वियसली कंटेंट, सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस बेबी विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम. बेसिकली सोनी हैज इम्प्रूव्ड अ लॉट, एंड सोनी में बहुत सारे टाइप्स के अल्फा सीरीज में कैमराज है. सो बेसिकली अल्फा 6400 इज वन सीरीज ऑफ इट, जहाँ पे आई थॉट दैट दिस कैमरा इज काइंड ऑफ चीप एंड इट कुड बी गुड फॉर मी एंड इट कुड हेल्प मी इन ब्लॉगिंग अहेड.
इससे भी नीचे वाला एक सीरीज आता है अल्फा 6000, आई गेस 6100 है और 200 भी आता है, बट वो सीरीज ऑलमोस्ट बंद हो चुके हैं एंड आई वॉज वेरी लकी बिकॉज आगे जाके मुझे नहीं पता था 6400 भी बंद हो सकता है, और जितना मार्केट में अवेलेबल था उतना था। फिर अगर आप जाके अमेजोन पे भी चेक कर लो या कुछ भी कर लो तो भी वहाँ पे आपको नहीं दिखाएगा बिकॉज ऑलमोस्ट अल्फा सीरीज 6000 में बंद हो चुका है। और वैसे भी सोनी अल्फा A6400 के बारे में मैंने पहले भी बहुत सुना था, इवन व्हेन आई बॉट माय 200D दैट टाइम आई हैड हर्ड अ लॉट अबाउट सोनी, बट देन दैट टाइम आई वांटेड 200D एंड नाउ वी गॉट दिस बेबी। लेट्स अनबॉक्स दिस। वैसे तो ऑलरेडी अनबॉक्स हो चुका है बट अनबॉक्सिंग इन फ्रंट ऑफ यू गाइस एज आई ऑलवेज से इज अ कंटेंट फॉर मी, सो लेट्स अनबॉक्स इट। यहाँ पे एक 64GB सोनी का ओरिजिनल मेमोरी कार्ड आता है विच इज इन साइड द कैमरा एज आई यूज इट प्रायर। सो हियर यू गेट इज डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैन्यूल्स एंड यू गेट दिस इज द वारंटी कार्ड एज आई हैड शोन प्रायर एंड दीज आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैन्यूल्स विच यू विल बी गेटिंग इट इन साइड द बॉक्स। आउट हियर वी फाइंड इज अ वेरी क्यूट कार्ड। So basically, one thing I loved in this Sony camera is that what is not in Canon. अब Canon में क्या होता था कि अगर मुझे बैटरी चार्ज करना पड़ता था तो I had to remove the battery. Then removing the battery, I had the Canon charger. वो charging करके उसके बाद में वो अलग से मुझे charge करना पड़ता था. फिर जब वो battery charge होता था उसके बाद में then I had to put it inside the camera. और ये चीज़ Sony में नहीं है. I can directly charge my Sony Alpha A6400 through my power bank too. As we provide करते हैं the strap, we've got the Alpha Sony strap out here, which is amazing. And as well as this is the adapter through which we can charge. But I don't think so I'll be needing it because directly we can charge our camera through the power bank. और अब main चीज़ पे आते हैं हमारा camera. भाई साहब, ये है हमारा सोनी अल्फा A6400 कैमरा है गाइस। क्या कैमरा है आप देखने जाओ तो यहाँ पे यू कैन फ्लिप योर स्क्रीन लाइक दिस, ओके। सो व्हाइल शूटिंग, सो आई एम इन द फ्रेम व्हाइल शूटिंग, यू कैन ऑल्सो व्लॉग प्रॉपरली। सो एज यू कैन सी आई कैन व्लॉग लाइक दिस, यहाँ पे आप देख सकते हो तो, ओके। यहाँ पे इज द बटन फॉर रिकॉर्डिंग, सो लेट मी प्रेस द बटन। नाउ आई स्विच ऑन टू द कैमरा, सो हियर वी स्विच ऑन टू द कैमरा फर्स्ट विद इन 3, 2, 1। सो गाइज, राइट नाउ आई एम व्लॉगिंग थ्रू माई ऑल न्यू सोनी अल्फा A6400। दिस इज माई iPhone 11, दिस इज माई सोनी अल्फा A6400। यू कैन गेट टू नो द क्लैरिटी बिकॉज यहाँ पे पीछे मेरे वाइट बैकग्राउंड है, बट यहाँ पे आप देख सकते हो मैं मेरे बिल्डिंग के सोसाइटी ऑफिस में व्लॉग कर रहा हूँ बिकॉज मेरे घर पे आज संडे है, सो एवरी वन नीड्स रेस्ट। दैट इज वाई आई थॉट दैट आई कुडंट वेट टू व्लॉग, दैट इज वाई आई थॉट दैट आई विल गेट माई एक्सेसरीज डाउन एंड लेट मेक एन अनबॉक्सिंग वीडियो। I hope the clarity of the voice is also coming too good. So I hope that everything is good and I am very happy, I am very satisfied with my camera and I hope that you guys also liked it. As always said, when you buy an A6400, you get the kit. Ab maine to liya hai with the kit. तो मैंने फुल किट के साथ लिया है और कैमरा के साथ मुझे ये 1650mm सोनी के लेंस मिले हैं साथ में। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द स्पेसिफिकेशंस ऑफ दिस बेबी, ओके। सो दिस हैज APS-C साइज 24.2 मेगापिक्सल। दिस हैज द बेस्ट ISO, 100 से लेके 32,000 तक ISO है इसमें। 11 फ्रेम्स पर सेकंड में इमेजेस क्लिक कर सकती है, ओके। This has detection of almost 425 autofocus points. इतना छोटा कैमरा जो कि मेरे 200D से भी छोटा है, और ऑब्वियसली प्राइस आपने सुना रहेगा, 86,000 रुपीस प्राइस है, बट कोई बोल ही नहीं सकता कि इतना छोटा कैमरा इतना एक्सपेंसिव। एक्सपेंसिव के पीछे भी तो राज है भाई साहब, राज तो यहाँ पे छुपी है, वो जानकारी लेना तो बहुत जरूरी है। इट हैज अ फेस डिटेक्शन ऑफ ऑलमोस्ट 425 ऑटो फोकस पॉइंट्स, सो बहुत सही चीज है ये, ओके। इट हैज एन रियल टाइम आई
ऑटो फोकस. सो सपोज इफ आई एम व्लॉगिंग एंड माई आई, अगर मेरे आई कॉन्टैक्ट मेरे लेंस के ऊपर से निकल गए, ओके, एंड इफ आई एम टर्निंग टूवर्ड्स माई आईज टर्न टूवर्ड्स लेफ्ट साइड, दिस विल फोकस मी एज एन रियल टाइम फोकस ऑल्सो. सो इट ट्रैक्स माई फेस, ओके, इट हैज रियल टाइम ट्रैकिंग. सो वेर एवर आई गो, सपोज इफ आई एम व्लॉगिंग, ठीक है, सपोज मैं ऐसे व्लॉग कर रहा हूँ और कैमरा शायद मैंने किसी के हाथ में दिया, एग्जाम्पल बोलता हूँ वंश के हाथ में दिया, और वंश मुझे यहाँ पे मुझे फोकस कर रहा है, और अगर उसको फोकसिंग नहीं जम रहा है, वो खाली स्क्रीन पे यहाँ पे टच करेगा मुझे, एंड देन दिस विल ट्रैक माय फेस और इट विल ट्रैक मी ऑन माय सेल्फ. दिस हैज साइलेंट शूटिंग, सो वी कैन शूट दिस एट अ वेरी साइलेंट वे. जैसे आते हैं DSLR कैमराज में टक 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 टक, पता व्हेन यू क्लिक. सो दिस डज नॉट हैव, बिकॉज ये ऑलरेडी ये कैमरा कंपेरिजन में आता नहीं है दूसरे कैमरा से. टच फोकस शटर भी है और टच फोकस सेंसर भी है. सो लाइक वेन आई एम क्लिकिंग समथिंग एंड इफ आई वॉन्ट टू यू नो इंक्रीज दी शटर और डिक्रीज द शटर, आई कैन जस्ट टच फोकस इट एंड देन माई शटर कैन बी इंक्रीज एंड वेल एज इट कैन बी डिक्रीज. नाउ लेट्स टॉक अबाउट दी मेन मेन्यू ऑफ इट. सो यहाँ पे हमें मिलता है मेन मेन्यू. यू जस्ट नीड टू क्लिक ऑन दिस मेन्यू and you get different types of settings and many things. So यहाँ पे file format है. अब जैसे मैंने already unbox किया है तो मैंने अभी file format raw पे रखा है और JPEG quality मैंने find पे रखा है. बाकी if you go to see you get good time lapse also. So auto time lapse भी इसके अंदर interval shooting जिसको बोलते हैं. You don't need to stitch photos जो पहले के previous cameras में आते थे. That camera will just click and then you need to make your photos into a video. You don't need to turn that. आजकल के cameras में वो बहुत normal हो गया कि interval shooting which is known as time lapse is inbuilt and you can get a good clarity of it. As well as ये कैमरा में वाईफाई है, ब्लूटूथ है. आई वॉन्ट टू इगतपुरी गाइस एज यू ऑल नो एंड व्हाइल आई वाज शूटिंग ऑन माय DJI Osmo. ऑब्वियसली DJI Osmo इज आल्सो वन ऑफ द बेस्ट कैमरा आई कैन से इन एक्शन कैमरास आफ्टर GoPro इज द DJI Osmo व्हिच आई एम यूजिंग पर्सनली. नाउ टॉकिंग अबाउट कैनन 200D, सो अब वो कैमरा के लिए हम क्या कर सकते हैं, गेस करो क्या कर सकते हैं. हम वो कैमरा को रिपेयर भी कर सकते हैं अभी गाइस, रिपेयर कर सकते हैं वो कैमरा को. कैसे रिपेयर कर सकते हैं, जैसे मैंने आप लोगों को बताया था मैं कि प्रभातकर जी के पास गया था, उन्होंने मेरे को बोला था कि लॉकडाउन है सिद्धांत, तो अभी अब नहीं बन सकेगा, ये थोड़ा वेट करना पड़ेगा. वेट करने के बाद जब जैसे लॉकडाउन खुलेगा तब मैं तुमको बता दूंगा कि अगर इसका मेन बोर्ड मिलता तो मिलेगा. और उन्होंने मेरे को फ़ोन किया, उन्होंने मेरे को बोला कि अभी इसका मेन बोर्ड मिलेगा. मैं इतना खुश हो गया गाइस, इतना खुश हो गया, आप नहीं यकीन करोगे. बट देन उन्होंने जैसा प्राइस बोला था, आई वाज लाइक क्या करूँ अभी. प्राइस तो बोला, ठीक है बोला, ये तो बोला उन्होंने कि मतलब कैमरा बनेगा, लेकिन जब प्राइस बोला था मतलब अभी क्या कर सकते हैं हम लोग. काम करते हैं कैमरा अभी के लिए, अगर उसको रिपेयर करना तो अभी रख देते हैं फिलहाल, क्योंकि अभी जैसे लॉकडाउन तो खत्म हो चुका है, बट देन लेटर ऑन अभी अगर उसके पार्ट्स मिल रहे हैं स्पेयर में तो फिर बाद में कभी ना कभी जैसे अगर थोड़े पैसे इकट्ठा सेव होंगे उसके बाद हम शायद कैमरा वापस बना सकते हैं. और फिलहाल मैं ये स्ट्रेस से रिलीफ हो गया था कि मतलब एटलीस्ट मेरा कैमरा डेड तो नहीं रहेगा. ऑल्सो यूजिंग आर कैनन 200D अगेन. सो अबाउट सोनी अल्फा A6400 मैंने आपको सब जानकारी दे दी. यहाँ पे माइक इनपुट भी है बट फिलहाल हमने हमारा माइक अटैच नहीं किया है. सो इन द नेक्स्ट ब्लॉग आई विल ट्राई अटैचिंग माई माइक, और तभी बता दूंगा कि विद द माइक और विदाउट द माइक क्या क्लैरिटी आता है. और वैसे तो हम लोग ने माइक नया अभी रशीद भाई से लिया था, जैसे आप लोग इगतपुरी में देखा. एक्चुअली तभी भी मेरे पास टाइम नहीं था माइक के बारे में ज़्यादा बताने के लिए, बिकॉज बहुत गाय गड़बड़ी थी इसके लिए. फिर बाद में एंड में मैंने आपको बोला कि अगर आप लोग को अच्छा लगा रहेगा द वॉइस क्लैरिटी विद द माइक, देन डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन. सो नाउ लेट्स स्विच ऑन टू दिस बेबी एंड लेट्स सी हाउ दिस बेबी वर्क्स इन दी डेरा होने से पहले थोड़ा, ठीक है. लेट्स स्विच ऑन टू सोनी. ओके गाइस, सो दिस इज मी अनबॉक्सिंग का वीडियो बना रहे थे, पता ही नहीं चला कि कब अनबॉक्सिंग का वीडियो बनाए और तब जाके इसके बाद में अंधेरा हो गया, बिकॉज मैंने थोड़ा लेट चालू किया था. और अभी अगर आप देख सकते हो इट इज़ ऑलमोस्ट डार्क एंड आई एम व्लॉगिंग एंड आई एम इन माई बिल्डिंग राइट नाउ. आई होप दैट यू कैन गेट टू सी द क्लैरिटी. आई होप दैट द क्लैरिटी इज कमिंग गुड एंड द वॉइस इज ऑल्सो कैप्चरिंग गुड. अभी ये नेक्स्ट व्लॉग में मैं आपको बता दूंगा कि मेरे माइक के साथ कैसा आवाज़ आता है, कैसा क्लैरिटी देता है, और विदाउट द माइक एज आप लोग अभी तो सुन रहे हो तो ये विदाउट द माइक है. एंड आई एम शूटिंग एट 16 mm. अब मैं ज़रा
दूर रखता मेरा हाथ और मैं अभी इसको 50 पे लाता हूँ. सो दिस इज़ 50 mm एंड यर वी गो इज 16. सो आई एम राइट नाउ शूटिंग एट 16 mm. सोनी की एक ज़्यादा खासियत बात क्या है, मैं आपको बोलूँ गाइस. सोनी की खासियत बात ये है कि अगर आप लोग एक ब्लॉगर हो ओके और आपको सिनेमैटिक व्लॉग पसंद है तो ये ज़्यादा सिनेमैटिक व्लॉग और सिनेमैटिक इफेक्ट वाला व्लॉग बना के आपको दे सकता है. इन दिस इफ़ यू गो टू सी देर इज़ अ मूवी मोड विच इज़ नोन, यहाँ पे एक ऑप्शन है मूवी मोड करके. सो यू कैन गो ऑन दैट एंड इवन इफ़ यू वॉन्ट टू शूट और इफ़ यू वॉन्ट टू कैप्चर एनी पार्ट और अगर आपको एक शॉर्ट फिल्म या कुछ बनाना रहेगा, दिस विल हेल्प यू टू मेक योर वीडियो लुक लाइक मोर लाइक लाइक अ मूवी. सो दैट इज़ ऑल विथ सोनी अल्फा A6400. विथ दिस सेट गाइज आज के लिए बस इतना ही रखते हैं और मैं आपको ज़रा मेरा सेटअप दिखा देता हूँ. सो यहाँ पे हमारा रिंग लाइट है, यहाँ पे हमारा फ़ोन है. सो ऐसे हम हमारा वीडियो बना रहे थे और ये हमारा ज़रा सोसाइटी ऑफिस है. सो विद दैट सेट गाइज, इफ़ यू लाइक दिस वीडियो डोंट फॉरगेट टू द लाइक बटन. इफ़ यू आर न्यू टू द चैनल देन डू सब्सक्राइब इट. विद दैट सेट, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. एज ऑलवेज आई बी बैक विद अ न्यू व्लॉग एंड अ नेक्स्ट व्लॉग. टिल देन बाय, टेक केयर, शबा खैर. मिलते हैं अगले व्लॉग में और आज से गाइज मैं बोल सकता हूँ आपको व्लॉग्स काइंड ऑफ रेगुलरली आएंगे बिकॉज वी फॉर दिस बेबी. चलो बाय.